नमस्कार दोस्तों, जैसे कि अपन क्वेश्चन कर रहे थे, 1000 क्वेश्चन हमें आने वाली एयरफोर्स एग्जाम के लिए पढ़ने हैं, तो उसी क्रम में मैंने आपको नाउन के लगभग 80 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो आज हम प्रोनाउन के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। प्रोनाउन के टोटल हम 50 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज की इस क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन 30। तो कौन से है ये क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम आज प्रोनाउन के क्वेश्चंस पर पहुंचते हैं, और प्रोनाउन के आज की इस क्लास में कितने क्वेश्चन होंगे, आज की इस क्लास में हमारे क्वेश्चन होंगे 30। तो हो जाइए तैयार आज के क्वेश्चन के लिए, और मैं चाहूँगा कि आप साथ ही साथ मुझे आंसर बताते रहें कि जैसे प्रोनाउन का हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। शी हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड ए न्यू काइंड ऑफ ड्रग्स फॉर हर स्टमक बाय हिज फिजिशियन। इस सेंटेंस में कहाँ कौन सी एरर है, आपको एरर फाइंड आउट करनी है। तो टोटल प्रोनाउन के हमारे को क्वेश्चन कितने करने हैं, 50 क्वेश्चन करने हैं, 50 क्वेश्चन करने हैं। नाउन थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसलिए नाउन के तो हमें 100 क्वेश्चन करने थे, हमने 80 क्वेश्चन किए हैं, 20 क्वेश्चन और बता दूंगा मैं आपको उसके। अभी प्रोनाउन के क्वेश्चन करने हैं, तो प्रोनाउन में हमारे को टोटल 50 में से आज की इस क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कमेंट में आज आप लोग प्रश्न का उत्तर देते रहें। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें और आपको क्या लगता है कि आंसर क्या है, आप आंसर दें, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊं। या फिर आप चाहते हैं कि मैं ही आंसर बताऊं, तो फिर मैं बता ही दूंगा, बता ही रहा हूं। तो आप इनको एक बार, इस वीडियो को दो बार कम से कम देखें, तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी कि किस सेंटेंस में क्या एरर है और क्यों एरर है। तो चलिए देखिए, शी हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड ए न्यू काइंड ऑफ ड्रग्स फॉर हर स्टमक बाय हिज फिजिशियन। दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट शी है, तो यहाँ पर जो है हर इस शी के लिए आया है, तो फिर आगे यहाँ पर भी हर आना चाहिए था, किसके लिए, शी की वजह से। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हर फिजिशियन। इस सेंटेंस के सी पार्ट में एरर है, इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा सी। शी हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड ए न्यू काइंड ऑफ ड्रग्स फॉर हर स्टमक बाय हिज फिजिशियन, नहीं होगा बाय हर फिजिशियन होगा। इट इज आई हु हैव टॉट यू इंग्लिश, इट इज हो या इट वॉज हो, इसके बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस आता है, तो आई नॉमिनेटिव केस है, और इसलिए सेंटेंस में एरर नहीं है। और एक दूसरी चीज भी देखनी है कि हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट कौन है, आई है। रिलेटिव प्रोनाउन हु, होम, हुज, विच या दैट, इनसे पहले जो भी नाउन प्रोनाउन आते हैं उनको अपन एंटीसीडेंट कहते हैं, और ये वाली जो वर्ब होती है ना, ये इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो आई के अकॉर्डिंग हैव है, इसलिए ये बात भी ठीक है, और इट इज के बाद नॉमिनेटिव केस होना चाहिए, तो आई नॉमिनेटिव केस है, ये बात भी ठीक है, इसलिए सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। तीसरे क्वेश्चन पर पहुंचते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन। इट इज हर हु हैज ब्रोकन दिस विंडो। तो अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि इट इज के बाद हर नहीं हो सकता, इट इज के बाद नॉमिनेटिव केस आता है, हर तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर नॉमिनेटिव केस होना चाहिए। तो नॉमिनेटिव केस क्या होगा, शी, इट इज शी हु हैज ब्रोकन दिस विंडो, इट इज शी हु हैज ब्रोकन दिस विंडो। तो यहाँ पर आपको शी का यूज करना है, और ये भी चेक कर लेते हैं, शी जो है ना एंटीसीडेंट है हु का, और शी के अकॉर्डिंग ही वर्ब आनी चाहिए, तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग है, इसलिए अब इस सेंटेंस में हर को हटाकर हमें शी का यूज करना चाहिए, और कोई सेंटेंस में एरर नहीं है। शी रोट टू मी ए लेटर, ये शी सब्जेक्ट है और रोट वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर टू का यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इट इज बिटवीन हिम एंड मी। बिटवीन यहाँ पर क्या है, बिटवीन प्रीपोजिशन है, बिटवीन प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो हिम तो ऑब्जेक्टिव केस है, और आगे देखा हमने मी भी ऑब्जेक्टिव केस है, दोनों ऑब्जेक्टिव केस हैं, इसलिए इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। इट ये बिटवीन जो है प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड मी, यहाँ पर फिर बिटवीन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, यू है और मी है, दोनों ऑब्जेक्टिव केस हैं, तो इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है। My parents, यहाँ पर parents लिखना है, My parents love you more than I. अब देखो my parents sentence का क्या है, subject है, और love क्या है, verb है, और you क्या है, object है। अब इस object का comparison यहाँ I से हो रहा है,
यू ऑब्जेक्टिव केस है बट आई नॉमिनेटिव केस है, या सब्जेक्टिव केस कह सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पर यू ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका कंपैरिजन किसी ऑब्जेक्टिव केस से ही हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, आई नहीं होता, तो यहाँ पर अपन को मी का यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए इस सेंटेंस के सी पार्ट में एरर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट क्या कहता है कि यू हैव टेकन माई बुक, काइंडली रिटर्न द सेम। रिटर्न द सेम नहीं लिख सकते अपन, जो बुक लिया वही तो लौटाएंगे। तो इस स्थान पर हमें किसका यूज करना है, इट का। यू हैव टेकन माई बुक, काइंडली रिटर्न इट सेम। तो अंडरस्टूड है, जो बुक लिया वही लौटानी है, तो द सेम लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अपन को इट लिखना है। तो इस सेंटेंस के सी पार्ट में एरर है। द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। जूरी, कमेटी या कोई भी कलेक्टिव नाउन, जब तक डिवाइड नहीं होती है उसके साथ वर्ब सिंगुलर आती है, आगे इट इट्स का प्रयोग होता है। तो ये दोनों चीजें हो रही हैं यहाँ, इसलिए इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। हाँ, अगर कोई कलेक्टिव नाउन डिवाइड होगी, उनकी राय एक नहीं होगी, तब ये वर्ब जो है ना ये प्लूरल हो जाएगी और ये इट्स के बदले देयर का प्रयोग होगा। जैसे कि आप 11 क्वेश्चन को देखो, जूरी, जूरी क्या हो रही है, डिवाइडेड, डिवाइडेड हो रही है, तो फिर वर्ब कैसी होनी चाहिए, वर। जब तक डिवाइडेड नहीं होती है, नवा क्वेश्चन देखो, वर्ब सिंगुलर थी, अब जूरी डिवाइड हो रही है तो वर्ब प्लूरल होगी। और अगर जूरी डिवाइड नहीं होती है तो वर्ब सिंगुलर और इट्स का प्रयोग होता है, जूरी डिवाइड होती है तो वर्ब प्लूरल और आगे देयर का यूज होता है। तो देयर का यूज हो रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि द राजस्थान यूनिवर्सिटी हैज अलर्टेड देयर रूल्स एंड रेगुलेशन। राजस्थान यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी एक बॉडी है, एक संगठन है, या एक सिंगुलर नाउन हो गई। तो वर्ब सिंगुलर होगी तो आगे फिर देयर कैसे यूज होगा, और ये इसके लिए हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए हिज या हर नहीं, इट्स का प्रयोग करेंगे। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी हैज अलर्टेड इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है, Everybody want to succeed in his life. प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवन में सफल होना चाहता है। तो everybody के साथ तो वर्ब सिंगुलर आती है, वर्ब सिंगुलर कब होती है, जब उसके साथ s या es का यूज होता है। तो यहाँ पर होगा wants. Everyone should do their duty properly. Their duty properly नहीं होगा, क्या होगा, his duty properly. Everyone is should do. Everyone should do their duty properly नहीं होगा, his duty, क्योंकि everyone के साथ verb भी singular होती है, आगे noun pronoun singular ही आते हैं। No one can prosper until they are, unless they are honest and laborious. अब इस question को देखिए, यहाँ पर no one के साथ भी noun pronoun singular, verb singular आना चाहिए, तो यहाँ पर they नहीं आ सकता, यहाँ पर क्या आएगा, he, और ये verb भी क्या होगी, is, तो ये क्या बन जाएगा, no one can prosper unless he is honest and laborious. Everything has his own importance. Everything जो है नॉन लिविंग थिंग के तहत आता है। एवरी वन होता तो फिर हम हिज का प्रयोग कर सकते थे, बट एवरी थिंग तो नॉन लिविंग है, कोई वस्तु के लिए यूज होता है, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, इट्स। एवरी थिंग हैज इट्स ऑन इम्पोर्टेंस। तो ये 15 क्वेश्चन हुए, 15 क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 यहां होगा, ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है कि ही बोट 5 pens एंड एवरी वन वॉज रेड। एवरी वन नहीं हो सकता, यहां पर आप दो चीजें कर सकते हो, या तो एवरी और वन को अलग अलग कर लो, या फिर आप इसके बदले ईच वन का प्रयोग कर सकते हो। He bought 5 pens and everyone, अलग अलग कर लो, was red या each one was red. ऐसा ही इस 17 वाले क्वेश्चन में भी हो रहा है। He has 3 dogs, उसके पास 3 कुत्ते हैं, and everyone एक साथ नहीं होगा, या तो every और one को अलग अलग कर दो, या फिर आप यहाँ पर each और one को अलग अलग लिख सकते हो, each one is black. और 18 क्वेश्चन है, दिस इज ए न्यू पेन बट दैट इज ओल्ड वन। हाँ, यहाँ पर वन का प्रयोग एकदम करेक्ट है। अगर ये पेन की जगह पेन्स होता और ये होता दीज, जैसे मैं आपको सेंटेंस बता दूं कि जैसे मैं ऐसे कहता कि दीज आर न्यू पेन्स बट दोज आर ओल्ड वन, तो ये गलत हो जाता, वन नहीं आता, यहां पर होता वंस। क्या होता है यहां पर, वंस।
अगर ये नाउन प्लूरल है ना तो ये वंस हो जाता है, ये नाउन सिंगुलर है तो ये वन हो जाता है। तो यहाँ पर नाउन सिंगुलर है इसलिए ये वन रहेगा, अगर ये नाउन प्लूरल होती तो ये वंस होता। फिलहाल ये सेंटेंस सही है। अगर 19वें क्वेश्चन को हम देखें तो योर कैट इज रेड बट माई इज ब्लैक, माई नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा माइन। माइन प्रोनाउन होता है और ये माई एडजेक्टिव होता है, तो वर्ब पड़ी है तो इसका मतलब यहाँ प्रोनाउन की आवश्यकता थी, एडजेक्टिव की आवश्यकता नहीं है। 20वां क्वेश्चन है, चिल्ड्रन आर अम्यूज बाय द मंकी प्लेइंग इन द केज। मंकी नहीं, मंकीज, मंकी के साथ एपोस्ट्रोफी एस, मंकी का खेलना, केज में पिंजरे में मंकी का खेलना, यहाँ पर जो है मंकी एपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा। 21वें क्वेश्चन की बात करें, वी डू नॉट नीड टू टेक एनी न्यू स्टेप पुट टू इनिशिएट एक्शन टू फुलफिल द प्रोमिस विच वी ऑलरेडी मेड। यहाँ पर जो है रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाना चाहिए था, सी पार्ट में एरर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। द कपल वो शॉक्ड टू फाइंड दैट सम ऑफ द पीपल हु वर इनवाइटेड आर मिसिंग। यहाँ पर आर का यूज होना चाहिए, ये सेंटेंस के सी पार्ट में एरर है। माय टीचर डज नॉट नो दैट आई एंड रमेश आर ब्रदर्स। आपको 231 वाला नियम याद होगा कि सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन आता है, लेकिन इस सेंटेंस में सेकंड पर्सन नहीं है तो पहले थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन आना चाहिए, बट थर्ड पर्सन तो रमेश है और आई फर्स्ट पर्सन है, तो इसका मतलब पहले रमेश फिर आई का यूज होना चाहिए था, इस सेंटेंस के बी पार्ट में एरर है। You and I have done my best, second person है और first person है, और जब भी second person, आपको ये वाला rule याद होगा कि second person, third person और first person होता है तो हम our का use करते हैं, second और first person के साथ भी हम our का use करते हैं, third और first person के साथ भी हम our का use करते हैं, और second और third person के साथ हम your का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर second और first person है तो इसके साथ our का use होना चाहिए था, my best नहीं होगा, यहाँ पर होगा आर। यू एंड आई हैव डन आवर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। फिर है यहाँ पर यू सेकेंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, 2-3 आ रहा है तो फिर क्या आना चाहिए, योर आना चाहिए, तो यहाँ पर योर है इसलिए इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, आई हैव नॉट सीन सच ए गुड बॉय एज हिम। अब सच एज का जोड़ा बनता है इसलिए ठीक है, और एज के बाद यहाँ पर नॉमिनेटिव केस आना चाहिए, इट मीन सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो, ही। आई हैव नॉट सीन सच ए गुड बॉय एज ही, यहाँ पर सच एज के बाद नॉमिनेटिव केस आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। आई एम सो वेल प्रिपेयर्ड दैट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मी फेलिंग द एग्जामिनेशन। फेलिंग जो है ना वो जीरेंड है, जीरेंड से पहले एडजेक्टिव आना चाहिए क्योंकि जीरेंड नाउन होती है और एडजेक्टिव माई होता है, मी नहीं होता, तो यहाँ पर क्या होगा, माई फेलिंग इन द एग्जामिनेशन। आई एम एज गुड एज हिम, और फिर मैंने ऊपर भी बात की थी कि एज के बाद नॉमिनेटिव केस आए तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर ही आना चाहिए, आई एम एज गुड एज ही रिस्पेक्ट्स यू मोर देन आई। तो यहाँ पर ये नॉमिनेटिव केस है और सॉरी ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट का कंपेरिजन इससे हो रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मी, ही रिस्पेक्ट्स यू मोर देन मी। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ये एक इडियम है जिसका अर्थ होता है सारी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने प्रोनाउन के 30 क्वेश्चन पढ़े हैं, कल की क्लास में फिर हम प्रोनाउन के कुछ और क्वेश्चन देखेंगे और बाद में मैं आपको कुछ वोकैब के क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो आज इतना ही है, फिर नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं। एंजॉय करती रहिए क्लास की और अच्छी सी तैयारी करते रहिए।